बीजेपी ने दरभंगा सांसद कीर्ति झा आजाद को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कीर्ति झा आजाद ने डीडीसीए मामले पर वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ बयानबाजी की थी। इस कार्रवाई के बाद दरभंगा सांसद ने कहा कि उन्होंने पार्टी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। एंटी पार्टी कौन सी चीज को ना लेके जाए, जो भी आप, मैं तो 9 साल से कह रहा था अगर इसके लिए जिम्मेवार कोई है तो वो पार्टी खुद है। मैं 9 साल से उनको बोल रहा था, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। और आज जो परिस्थिति बनी है उसका कारण यही है। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए भी थी, और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। कीर्ति आजाद पर कार्रवाई के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि पार्टी को और भी वैसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। खुशी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने और श्री कीर्ति आजाद को निलंबित किया है। जिन लोगों ने चुनाव के दौरान बयान दिए हैं, जो लोग चुनाव के दौरान भी विरोधियों से मिलते रहे खुलेआम, तो सारी चीजें केंद्रीय पार्टी के संज्ञान में है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय पार्टी वैसे लोगों पर उचित समय पर कार्रवाई करेगी। कीर्ति पर कार्रवाई के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी में पार्टी के अंदर ही इनटॉलरेंस है। देश में जिस हिसाब से असहिष्णुता की जो वारदात जो चल रही है, ये बीजेपी में भी अगर कोई अच्छी चीज़ों के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगर ठीक है भ्रष्टाचार है, अगर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर इसकी जांच हो जानी चाहिए थी, जांच के बाद सब पता चल जाना चाहिए था। लेकिन ये स्पष्ट है कि बीजेपी में जिस हिसाब का जो नेतृत्व जो मिला है और जिस हिसाब के जो प्रधानमंत्री जो हमारे देश के जो मिले हैं, वो काफ़ी शासक के तरह वो अपनी कामों को निभाने का काम करते हैं, और जिस हिसाब का जो वर्ताव है मेरे ख्याल से उनके एटीट्यूड को लेकर के मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बीजेपी में वसूलों की बात करने वाले की कद्र नहीं है। उन्होंने कीर्ति झा आजाद का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी में जो सच्ची बात करता है उसकी कद्र नहीं होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा लोग है, जो लोग अपनी बातों को मजबूती से उठाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। हमारे पास आने का उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दिया तो हम कैसे कहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दल में जो मजबूत लोग हैं, जो सच्ची बात करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करती। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि कीर्ति पर हुई कार्रवाई से साफ हो गया है कि पार्टी में जो भी लाइन से हटकर काम करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं, करप्शन कोई इश्यू नहीं है, मैसेज एक ही क्लियर है, इधर यू फॉलो इन लाइन और यू फॉल आउट, हमारे पीछे चलो नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। आज वही हो गया, कौन सी बड़ी बात है। लोग कहते थे कि अरुण जेटली जी को आडवाणी जी के रास्ते पे चलना चाहिए, जो रास्ता दिखा रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, कीर्ति आजाद जी, एक को तो रास्ता दिखा दिया गया, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरुण जेटली को बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नसीहत दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था, उसी तरह जेटली को भी नजीर पेश करना चाहिए। मुद्दा उठाया गया अभी वो इश्यूज पे उठाया गया है, सिद्धांतों पे उठाया गया है, और मैं समझता हूँ तमाम लोगों को इस वक्त फिक्र है, और उस फिक्र का हमने वर्णन किया है अपने ट्वीट में। जो ट्वीट में हमने कहा है बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सारी बातें बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, क्लैरिटी के साथ हमने रखी है। उसमें ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध है, बात यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, ना कि उन पर किसी किस्म की प्रतिक्रिया या किसी किस्म का एक्शन होने से फिर रिएक्शन होता है। कई बार एक्शन रिएक्शन के चक्कर में मामला बूमरैंग करता है। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित नेता मुनाजिर हसन ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। मुनाजिर हसन ने कहा है कि बीजेपी में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। पार्टी तो नपुंसक लोगों की पार्टी है। आइए कोढ़िया डराए थूक से एक कहावत सुनते होंगे, यानी कोढ़ी डराए थूक से, वही हमको डरा रहे हैं।
अरे रखो अपनी पार्टी अपने पास, तुम 6 साल कह रहे हो, हम बोलते हैं हम जिंदगी भर तुम्हारे तरफ ताकने वाले नहीं हैं, जाओ अपने पास रखो पार्टी को। हम तो धोखे में जो है, हम तो झांसे में आ गए थे। मुनाजिर हसन ने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, आरके सिंह और भोला सिंह ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं की। जेडीयू ने मुनाजिर हसन की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोप का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बीजेपी को आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे पिटारा जो भाजपा का है, चरित्र का, पार्टी भी डिफरेंस का, वह दिवाला के रूप में सामने जनता के बीच आ चुका है। इसलिए भाजपा में अब चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उसके कार्यकर्ता पार्टी में रह पाएंगे कि नहीं, कि भगदड़ तो नहीं मच जाएगा, यह सवाल है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए से अलग होने की अटकलों को खारिज किया है। निर्णय लेना हम लोग अंतिम रूप में कार्यकारिणी की बैठक होगी, या ये जो सम्मेलन कर रहे हैं या फिर जो यहाँ बिहार में सम्मेलन करेंगे, उस समय बात हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। अभी ये बात प्री मैच्योर है और ये व्यक्तिगत किसी की बात हो सकती है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की ये बात नहीं है। बातें ऐसी हो गई, कुछ स्टेटमेंट आया ऐसा वो राजनीतिक रूप में, जिसको कि गलत रूप में समझाया गया और वो बात हम लोग नहीं समझा सके जनता को, इसलिए वो लोग गलतफहमी के शिकार होकर के उन लोगों ने हम लोगों के विरुद्ध वोट किया था। मोहिमा जी ने लालू से किसी भी तरह की मुलाकात की बात को सिरे से खारिज किया है। जब ये मंत्रिमंडल बना तो टेलीफोन से हमने उनको बधाई दी, हम नहीं नहीं एकदम गलत, एकदम 100% नहीं 1000% गलत है। हम के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पटेल के उस बयान पर जेडीयू ने चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी से गठबंधन पर सोचना चाहिए। हमारा मतभेद था, उन सवालों को अंगीकार किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरण वंदना कर रहे थे, जब जनता ने दुत्कार दिया तो ज्ञान चक्षु खुल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पर्यटन भवन निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा और वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा की। सीएम ने सभी विभागों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग की समीक्षा में सीएम ने गुरु पर्व और चंपारण में सत्याग्रह समारोह की तैयारियों को पुख्ता तरीके से करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटकों को आकर्षित करने के तरीकों पर भी काम करने की बात कही। उसमें बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट, रामायण सर्किट, शिव शक्ति सर्किट और सूफी सर्किट, इन सब के ऊपर आज बृहद चर्चा हुई है। वही रोड मैप के ये हिस्से होंगे और जैसा आप लोग सब जानते हैं, बिहार के कण कण में हिस्ट्री है, इतिहास है, पौराणिक गाथाएं हैं। भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव, मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त और सीएम के प्रधान सचिव समेत भवन निर्माण विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। जेडीयू के बागी विधान पार्षदों के मामले पर विधान परिषद में सुनवाई चल रही है। बुधवार को पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के मामले में सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आ सका। अब उनके मामले की सुनवाई 4 जनवरी को होगी। याचिका ही गलत है, ये हमारे माननीय विद्वान एडवोकेट का कहना था, उसको उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि याचिका ठीक है तो अब मेरिट पर सुनवाई होनी है, तो मेरिट पर सुनवाई के लिए उन्होंने अगली तिथि मुकर्रर की है 4 जनवरी को। समस्तीपुर के वीरकुंवर सिंह कॉलोनी में पुलिस और एक अपराधी के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस से उलझने वाले अपराधी की शिनाख्त अंशु झा के रूप में हुई है। 3-3 पुलिस वालों से कुख्यात और मोस्ट वांटेड अपराधी अंशु झा उलझ गया। पुलिस और अंशु के बीच काफी देर तक बहस होती रही, फिर भी पुलिस ने अंशु को जमकर पीटा। समस्तीपुर के पोखरेरा गांव से अगवा छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राहुल 24 सितंबर से लापता है।
इस मामले में एक एसएमएस ने राहुल के परिजनों की बेचैनी बढ़ा दी है। आने में हम दिए रिपोर्ट कि बाबू साहेब मेरा एक लड़का है, कोचिंग गया था पढ़ने के लिए, कोचिंग से घर नहीं आया, कोचिंग नहीं मिला थन, वहाँ कोई मामला नहीं किया। हम फिर की कहे वहाँ से हमें बोलता मैसेज आया मोबाइल पे, बोलता है कि सो 15 लाख रुपया लाइए, मेरा प्यास बेराहुल है, 15 लाख रुपया लाइए तो राहुल के हम देंगे। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना पुलिस ने छापेमारी कर बच्चा चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी सदस्य महिला है जो मासूम बच्चों का अपहरण कर बेच देती थी। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के गुरमाहा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जंगल में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों के रहने की सुविधा है और ढेर सारा सामान भी है जो उनके लिए कैंप, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक, ये तीनों चीज़ों के लिए है। नहीं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, उसके लिए भी लगातार अभियान जारी रहेगा। पूर्णिया के केनगर थाना के बनिया पट्टी के पास पुलिस ने 9 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, बोलेरो गाड़ी और मोबाइल के साथ साथ कैश भी बरामद किया है। ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। योजना बनाते हुए 9 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलकित गैंग गिरोह का सरगना है और कई मामलों में वांछित भी था और कई सालों से जेल में भी ये सजा काटता हुआ है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। करीब 14 केसेस में इनका आपराधिक इतिहास मिला है जो कि लूट डकैती से संबंधित है। और हाल के दिनों में पिछले महीने में सरसी में एक लूट की घटना घटी थी जिसमें 6.5 लाख रुपये लूटे गए थे, उसमें भी इसी गैंग का हाथ था। लखीसराय के कुख्यात बदमाश मुरारी सिंह को बोकारो से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मुरारी सिंह पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजधानी पटना के राजा बाजार फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज गति से आ रही एक कार ने एक ट्रक को पीछे से आकर टक्कर मार दी जिसमें कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। सहरसा में एक निजी क्लिनिक में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। नाराज परिजनों ने ऑपरेशन थिएटर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। डॉक्टर पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पटना के खुसरूपुर की सोनी का चयन दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम बॉक्स में बैठने के लिए हुआ है। पीएम बॉक्स में बैठने के लिए केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड 2015 में टॉप 100 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। बौद्ध सर्किट का अध्ययन करने रूस की 6 सदस्यीय टीम नालंदा आई हुई है। टीम ने राजगीर और नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। टीम के लोगों ने बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत पर भी गए जहां मलिक इब्राहिम शाह के मकबरे को देखा। बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित खानकाह इमादिया पहुंचे। वहां उन्होंने मोहम्मद साहब के 1437वें जन्मदिवस समारोह में भाग लिया। बिहार शरीफ के टाउन हॉल में एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भजन और भक्ति गीत पेश किया। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 6 जिलों के डीसी और कई एसडीओ बदले गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के लिए लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम ने डाल्टनगंज में पलामू जिला के लोगों की राय जानी। सीएम ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार आम लोगों और किसानों के हित में बजट बनाएगी, साथ ही ये तय करेगी कि वित्तीय वर्ष में बजट राशि का 90% से ज्यादा खर्च हो। झारखंड के समाज कल्याण एवं बाल विकास मंत्री का कहना है कि छात्रवृत्ति की राशि में कमीशन खोरी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस संबंध में विभाग को सूचना दें। झारखंड में रघुवर सरकार के 1 साल पूरा होने के पहले हर विभाग 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश कर रहा है। समाज कल्याण एवं बाल विकास ने अपनी उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा।
आईटीआई कसमार बोकारो का संचालन अब बोकारो स्टील प्लांट और सेल करेगी। सेल ने आईटीआई कसमार को अगले 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। एमओयू के मौके पर सीएम रघुवर दास और विभागीय मंत्री राज पालीवार भी मौजूद थे। संस्थान का मकसद भविष्य में नए कोर्स के साथ क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। रांची में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिना परमिट वाले डीजल ऑटो नहीं चलेंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद डीजल ऑटो चालक परेशान हैं। रांची पुलिस ने 3 चोर को गिरफ्तार किया है। लोगों पर 12 दिसंबर को पीपी कंपाउंड में एक कुरियर कंपनी का ताला तोड़कर 3,62,882 रुपए की चोरी करने का आरोप है। रांची में एक शख्स से बदमाशों ने 27,000 रुपए लूट लिए। कोतवाली थाना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विकास दास 27,000 रुपए जमा करने आए थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उससे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर बेहोश कर उसके पैसे लूट लिए। धनबाद पुलिस ने लूट और चोरी में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से भारी मात्रा में चांदी और सोने के जेवरात के अलावा अमेरिकन करेंसी बरामद हुई है। पाकुड़ के इलामी गांव के पूर्वी टोला में हाई टेंशन तार से निकलने वाली चिंगारी से 15 बच्चे झुलस गए। 11 बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। एक बच्चे की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। रांची में लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। रांची सदर अस्पताल में हर दिन 150 से अधिक लोग एंटी रेबीज का टीका लेने पहुंच रहे हैं। सिमडेगा के बानो प्रखंड के जराकेल गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और एक शख्स की जान ले ली और कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। रांची में क्रिसमस को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चर्च और गिरजाघरों में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अब हर समुदाय के लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के पहले दिन पीएम ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर किया। डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत रूस संबंधों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मीटिंग को सफल बताया। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा हुई इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। पीएमआर सैनिकों से जुड़े मकबरे का दौरा करेंगे। इसके बाद शाम को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। बातचीत के बाद पीएम रूस में बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उनके साथ होंगे। दौरे के आखिरी चरण में मोदी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिसमें वो 3,000 लोगों की मौजूदगी में स्पीच देंगे। केंद्र सरकार सांसदों की सैलरी दुगनी करने पर विचार कर रही है। प्रपोजल तैयार है, फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल का इंतजार है। सांसदों की पेंशन भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे ने एक बार फिर यात्रियों पर किराए का बोझ बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए किराए में इजाफा कर दिया है। रेलवे ने तत्काल टिकट पर लगने वाले चार्ज में 10 से लेकर 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि इस बढ़ोतरी से सेकेंड क्लास की सिटिंग टिकटों के लिए किराए को अलग रखा गया है। तत्काल कोटा के तहत स्लीपर क्लास में टिकट आरक्षित कराने वाले यात्रियों से 175 रुपए के बजाय 200 रुपए, AC3 में अधिकतम 350 की जगह 400 और न्यूनतम 250 की जगह 300 रुपए लिए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से सम विषम नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के आप सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि डिसेबल्स के सुझावों पर गौर करें। दक्षिण अफ्रीका के वनडे कप्तान एबी डिविलियर्स को लगातार दूसरे साल वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के ही विस्फोटक बल्लेबाज फाफ डू प्लेसी को आईसीसी T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में देश भर की कुल 50 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 25 टीम लड़कों और 25 टीम लड़कियों की है।
बिहार में पहली बार सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। यह टूर्नामेंट 27 दिसंबर तक चलेगा। चैंपियनशिप की अध्यक्षता कर रहे नवल किशोर यादव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। यह मैच जो लोग बॉल बैडमिंटन को बिहार में जानते नहीं थे, उसको स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रोड्यूस करके एक कारवा को शुरू किया था और आज हम नेशनल क्षितिज पर हैं। इसलिए तमाम अपने अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं।